जिहाद कानून को लेकर मुनव्वर राणा का ट्वीट सामने आया। लव जिहाद सिर्फ एक जुमला है, ये उन्होंने बात कही, समाज में नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल होता है। लव जिहाद से सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम लड़कियों को है। पहले केंद्र सरकार में बैठे दो बड़े लव जिहादियों से की जाए गैर धर्म में शादी करने वाले बीजेपी नेता पर भी हो कार्रवाई, ये बात मुनव्वर राणा ने कही है। देखिए सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है, लगातार ऐसे मसलों पर जिस तरीके से मुनव्वर राणा विवादित बयान देते रहते हैं उसके बाद से इसको लेकर लोगों में गुस्से का माहौल भी देखने को मिलता है और अब एक बार फिर से लव जिहाद को लेकर उनकी ओर से ये बात कही गई है और उनका ये कहना है कि दरअसल ये सिर्फ एक जुमला है और इससे अगर सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान होता है तो वो मुस्लिम लड़कियों को होता है। लव जिहाद का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए किया जाता है, ये उनकी ओर से बात कही गई है और इसके अलावा उन्होंने कई गंभीर बातों का जिक्र भी अपने इस ट्वीट में किया है। रवि मेरे साथ मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ मौजूद हैं। रवि, एक तो लव जिहाद के जिस तरीके से मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, सरकार की ओर से सख्ती कानून बनाने की बात, लेकिन इस तमाम चीजों को लेकर मुनव्वर राणा का ट्वीट जो कि पहले भी कई तरह के विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं, अब एक बार फिर से उन्होंने ये ट्वीट कर दिया है, किस तरीके से देखा जाए इसे? देखिए, अगर बात करें तो देश और विदेश में मुनव्वर राणा अपनी शायरी के लिए मशहूर हैं और साफ तौर पे अपने बयानों को लेकर भी खास अपनी पहचान रखते हैं। अगर बात करें तो लव जिहाद को लेकर लगातार जिस तरीके से अब कानून बनाने की जो बात है वो की जा रही है, उसको लेकर मुनव्वर राणा ने ट्वीट कर साफ किया है कि पहले तो उन्होंने इस लव जिहाद के कानून को लेकर एक जुमले शब्द का इस्तेमाल किया है जो कि ट्वीट के जरिए, उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि इससे सबसे ज्यादा अगर नुकसान हो रहा है तो मुस्लिम लड़कियों को नुकसान होता है और लड़के जो है वो कहीं भी शादी कर लेते हैं। तो साफ तौर पर एक बार फिर अगर बात करें तो मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने कमेंट किया है, ट्वीट करके एक बात कही, लव जिहाद को जुमला बताया और साफ किया है कि इससे सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो मुस्लिम लड़कियों को होता है, लड़के कहीं भी शादी कर लेते हैं, इसको ट्वीट करके बकायदा उन्होंने शेयर किया है। जी जाहिर तौर पर इस वक्त हम ट्वीट भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। रवि, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए।